Hello, my name is Shalin Singh I am current, currently working as an assistant professor in Rama University, Manna Kanpur. So, guys, today we are discuss about brand and generic drug. In this topic, we are shortly cover all the topic about and uh, some common problem which we do not understand that what is brand drug and what is generic drug. So, before that, we understand what is brand drug. ठीक है ब्रांडेड ड्रग ब्रांडेड ड्रग मीन्स दिस ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनोवेटर ड्रग वाई वी आर कॉल्ड एज इनोवेटर ड्रग बिकॉज वी ऑल नो डैट दैट वी नो दिस इनोवेशन वी ऑल डू डैट हम सारी इसमें नए नए एडवांटेज कर नए नए चेंजमेंस कर रहे हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं और जितना भी प्रोसेस है हमारा स्टार्टिंग से बेसिक तो हम एक किसी चीज़ में इनोवेशन करें तो हम इसको इनोवेटिव ड्रग बोल सकते हैं तो कौन करता है ये हमारी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जो क्या करती हैं इसको बनाती हैं और इसको दूसरी कंपनियों तक सब कर ट्रांसफ़र करती हैं अब ऐसे हमारे जेनरिक ड्रग में आते हैं जेनरिक ड्रग हमारी क्या है अ जेनरिक ड्रग इज़ डिफाइंड एज अ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कम्पेयर टू इनोवेटिव ड्रग इज दो फॉर्म विच एज़ कंटिन्यू स्ट्रेंथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ अब जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें ब्रांड और जेनरिक ब्रांड में क्या है आपने एक पर्टिकुलर टाइम लेके क्योंकि हम सभी को पता है जैसे अब आप कोई ड्रग बना रहे हो उसमें पूरा फेस कंप्लीट होने में एक सर्टेन टाइम लगता है जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड होता है अब उस पीरियड को कम करने के लिए और दूसरा बेटर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और प्राइस कंट्रोल क्योंकि हमको ये भी मैनेज करना है कि जो हमारी ड्रग हो बेस्ट हो और प्राइस में ठीक हो काफ़ी जेन्यन प्राइस हो तो वो हमारा दूसरा ऑप्शन जेनरिक ड्रग है जेनरिक ड्रग में हमें ये सिमिलरिटी नॉर्मल रहता है कि आप जब जेनरिक ड्रग्स यूज़ करते हो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसमें आपने जैसे शुरुआत में आप मॉलिक्यूल ढूंढते हैं और फिर बाकी बहुत सारी स्टेप रहती हैं उनका कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं उनको देख रहे हैं कि वो है कि नहीं लेकिन हमको जनरिक ड्रग में ऐसा नहीं करना है हमको क्या करना है हमारे पास वो मॉलिक्यूल पता है अब हमने क्या किया हमने सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर चेंजेस किए हैं और वो हमारा एक कम टाइम में हो गया है जिससे क्या कर रहा हो रहा है हमको एक वो हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो मिल रहा है अब ये देखिए अकॉर्डिंग टू एफ डी ए जनरिक ड्रग्स आर आइडेंटिकल और विद एन एक्सेटेबल बायोकेवलेंस रेंज हमारे जेनरिक ड्रग में बायो कलेवेंस वाला रहता है जिसमें आप रेंज टू ब्रांड नेम काउंटर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू फार्मास फार्माको काइनेटिक एंड फार्माको डायनोमिक प्रॉपर्टीज इनमें हमारी रहती हैं अब जैसे कुछ हमारी सिमिलरिटीज़ रहती हैं ये रखी इधर आएगी कंपेरिशन बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड के बीच में कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ भी हैं वो क्या हैं दे मस्ट कंटेन द सेम एक्टिव इन्ग्रीडियंट उनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दे मोस्ट हैव सेम डोजेस फॉर्म स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी सेम रहती है हमारी वो फिर क्या है दे मस्ट हैव सेम रूट अब हम रूट को तो चेंज नहीं कर सकते तो रूट हमारे वही रहेंगे चाहे आई हो आई एम ओरल हो पेरेंट्रोल पैरेंट्रल हो वो आपके वो रूट रहेंगे डिसिमिलिटीज़ क्या हैं देड हैव डिफरेंट साइज एंड शेप हो सकता है कुछ डिफरेंट हो तो, और द जनरिक कॉस्ट लेस मेन हमारा जेनरिक मेडिसिन को यूज़ करने का फैक्टर है उनका कॉस्ट कॉस्ट मार्जिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप देख रहे हैं ब्रांडेड ड्रग जो आपकी ये काफ़ी हाई कॉस्ट होती है जनरल पर्सन वो चीज़ नहीं कर पाता वो चीज़ हम उसी उससे कम रेंज में और सेम प्रॉपर्टी बेसिस पर काम जनरिक ड्रग से ले सकते हो अब एक मेन टर्म रहते हैं आप यहाँ देखोगे ए एंड डी एंड इसका काम क्या होता है इसका वैसे फुल फॉर्म ये है एवरीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीके अब इसमें क्या है अब आपने शुरुआत में कुछ भी किया या आप तो ड्रग रिसर्च में करने जा रहे हो ये आपके जेनरिक का पूरा डेटा रखा रहता है इसमें आपने जो भी चेंज करोगे अब जैसे ये हमारा एवरीवेटेड है हम कुछ भी चेंज करेंगे अब इसी में हमारे एक होता है एन न्यू ड्रग एप्लीकेशन अब मान लो हम नहीं कर रहे अभी कोई जनरिक प्रोडक्ट अब हमारा काम क्या है सिर्फ हमको न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाना है पूरा काम कर तो आप उसमें सबसे पहले क्या करोगे एक ड्रग सेलेक्ट करोगे ठीक है ड्रग सेलेक्ट करने के बाद उसमें आ, उसमें सॉलिबिलिटी देखोगे जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैमिस्कोलॉजिकल होती हैं फिर आप केमिस्ट्री बेसिस पे ये सारे प्रोसेस रहते हैं अब आपने क्या किया ये सब देखा अब लेकिन हमने इसमें क्या किया जनरिक में ये जो हमारा पुराने पास पुराना मॉलिक्यूल था उसी मॉलिक्यूल में हमने लिया जिसका एक टाइम में हर समय पे कुछ टाइम पे हर ड्रग का अपना पेटेंट जो होता है वो एक्सपायर कर तो जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं दूसरी कंपनी से उनके राइट्स ले लेते हैं जिससे अब उनके पास राइट्स हैं उसी फॉर्म को बनाने का दोबारा अब उन्होंने क्या क्या इसमें से कुछ एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया अगर यहाँ पर आपका ओ एच, तो एच है तो उसको हटा दिया सी यू डब्ल्यू ओ एच है तो उसको एज़ पर यू सूटेबल कंडीशन बहुत आप क्या बनाना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग ठीक है अब जैसे आप इसमें यह भी देख सकते हैं नीचे ये आपने जर्नल बात पता चल गई हैच वैक्समैन एक्ट ये एक्ट हमारा 1984 में आया था इसको क्यों लाया गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल एंड पेटेंट टर्म एक्ट 1984 में आया था अब हाँ हम सबको पता है कि ड्रग का प्राइस एक मेजर फैक्टर है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्योंकि ड्रग अगर उसके प्राइस कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है हम अपने पेशेंट को हमारे जो अपने जो पर्टिकुलर रूट है उनको देर पहुँचाने वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो इसलिए हमने ये एक्ट लाया ठीक है इसके हमारे ऑब्जेक्ट क्या हैं रिड्यूस करता है कॉस्ट रिड्यूस करता है क्योंकि अब आपको मेन आपकी पॉपुलेशन हो सकता है अब वो बहुत हाई प्रोफाइल भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है अगर आपको जनरल पर्सन के लिए काम करना है तो उसको आपको एक लो कॉस्ट कॉस्ट में एक अच्छा बाई प्रोडक्ट देना है ताकि वो इस्तेमाल कर सके और फिर दूसरा पॉइंट क्या है अर्ली एक्सपेरिमेंट और फिर आपका मोटिवेटिंग द जनरिक ड्रग तो दोस्तों इससे आप स्टूडेंट्स ये, ये समझ सकते हो कि जो आपका ब्रांड और जेनरिक ड्रग है सिंपल सी बात है अगर आपको यूज़ करना है तो आप जेनरिक भी इस्तेमाल करिए गवर्नमेंट आपको बेस्ट से बेस्ट सब्सिडीज़ मिलती है ठीक है इससे क्या हो है? आप जो प्रोडक्ट है मार्केट में आता है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ना डेज जनरिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अब वो क्या करती है लोगों को नहीं पसंद कि वो ब्रांड लें ब्रांडेड ड्रग्स लें तो उन्होंने एक जन औषधि केंद्र खोले हैं जन औषधि केंद्र वो पर्टिकुलर सेंटर हर एक स्टेट में आ गए हैं अब उनका काम क्या है वो सेंटर वही सेम ड्रग बस उनमें कोई ब्रांड नहीं है और वही सेम एक्शन मिलेंगे आपको बस प्राइस मेन फैक्टर आपका प्राइस का है वो चीज़ कंट्रोल करके देता और ये आपका सबसे मेन फैक्टर रहता है तो ये आज का टॉपिक था थैंक यू